गुड इवनिंग, फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टॉक मार्केट अड्डा में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं सुबेक्स लिमिटेड के बारे में। 32 रुपीज में स्टॉक का प्राइस मिल रहा है, क्या इस स्टॉक को अभी बाय करना चाहिए, क्या इसका फंडामेंटल है, नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, फुल डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल पर नहीं हो तो बिल्कुल फ्री में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पूरा डिटेल्स में हम लोग इस स्टॉक को एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में ओपन किया हूँ। कंपनी यहाँ पर हाई लगाया था 68 रुपीज, और ये कंपनी लिस्टिंग हुआ है 19 रुपये करके 2020 में। इस बीच एक अच्छा रिटर्न दिया है, अभी थोड़ा नीचे आ गया है कंपनी, लेकिन ओवरऑल कंपनी 66% की अच्छा रिटर्न दिया है। क्या इस शेयर फिर से ऊपर जा पाएगा, चलिए डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। कंपनी का डिटेल्स देखेंगे तो कंपनी यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओपन कर चुका हूँ। हम लोग ईयर वाइज देखेंगे, कंपनी का रेवेन्यू डाउन हुआ है, कंपनी का नेटवर्क डाउन हुआ है, कंपनी का प्रॉफिट माइनस हो गया है। तो रिस्क हम लोग को नजर आ रहा है। जो कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट कर रहा था 2023 में, कंपनी 51 करोड़ का लॉस किया है। तो हम लोग बहुत ही संभल कर काम करेंगे, ज्यादा पैसा नहीं, मिनिमम अमाउंट देकर बाय करेंगे। यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर 99% आ चुके हैं, फॉरेन इन्वेस्टर 0.84 और डोमेस्टिक वाले 0.01 रखे हैं। यहाँ पर प्रमोटर नजर नहीं आ रहा है। अगर आप लोग कंपनी का फुल डिटेल्स देखोगे तो कंपनी यहाँ पर 1992 से काम कर रहा है, BSE NSE दोनों में लिस्टिंग है। 1840 करोड़ का मार्केट कैप है, पी नेगेटिव है। बुक वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हो बुक वैल्यू से ऊपर सर मिल रहा है, हाई लो देख सकते हो, डिविडेंड नहीं देता है। ROC ROE नेगेटिव, फेस वैल्यू 5 का है, कर्जा 33 करोड़ का है, लेकिन रिजर्व ज्यादा है, एसेट उससे ज्यादा है, वॉल्यूम ठीक ठाक है, फ्री कैश रखा है, अर्निंग पर शेयर नेगेटिव, नेटवर्क पॉजिटिव, डिविडेंड नहीं देता है, डेट टू इक्विटी कम है। लेकिन कंपनी हम लोग को फंडामेंटली वीक ही नजर आ रहा है। IT सेक्टर में कंपनी काम करता है, 8 नंबर पर एक कंपनी आता है। आप देखोगे सेल ग्रोथ नेगेटिव, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव, CAGR पॉजिटिव, रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव, एसेट एसेट में दोस्तों हम लोग को डाउन नजर आ रहा है, नेट कैश फ्लो माइनस है। तो सारा पैरामीटर देखने के बाद रिस्क नजर आ रहा है, क्योंकि कंपनी अभी प्रॉफिट डाउन कर रहा है। ठीक है, तो मिनिमम अमाउंट डालकर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे, 50 रुपये का हमारा टारगेट रहेगा। तो होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आएगी दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।